हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राजीव उस्ती आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद राजीव सर में। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था प्रेशर से संबंधित। बहुत ही अच्छा टॉपिक था आपका प्रेशर, और मैं समझता हूँ अभी वो जो वीडियो था वो एक बेसिक लेवल का था। इसमें आपको उसके बारे में, टॉपिक के बारे में जानकारी दी गई, वर्ड के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी दी गई थी। और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है आपको समझ में आया होगा, अगर कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में निश्चित हमको बताइएगा, और मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा और आपको और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट ला करके दूंगा। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा चैनल को। देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम आप प्रतिशत पर आधारित समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उनसे संबंधित एक्सरसाइज होंगी, और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिशत को लेकर किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, और उनके हल भी आपको साथ ही साथ समझाता रहूँगा। देखिए बच्चों, किसी भी विषय का, किसी भी कंटेंट का फील्ड बहुत बड़ा होता है, और प्रतियोगिता की दृष्टि से तो बहुत ही अधिक बड़ा होता है, क्योंकि अर्थमेटिक में जो कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत को किस तरह से हम दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न को किस प्रकार प्रतिशत में और दशमलव को किस प्रकार प्रतिशत में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ याद करते हैं, पहले हमने प्रतिशत के बारे में आपको बता दिया, उसके बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं प्रतिशत ज्ञात करना। चलिए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और सबसे पहला हमारा काम है प्रतिशत ज्ञात करना, किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। दोस्तों, जब आंकड़ों में कोई भी परिवर्तन होता है तो वहां पर हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। और हमने बताया था गणितीय मानक में किसी भी संख्या को 100 के रूप में निर्धारित करना ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे अब आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, किसी भी आंकड़े में या संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी संख्या में कमी का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुख्य दो ही होते हैं आपके, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना। चलिए हम ज्ञात करते हैं प्रतिशत ज्ञात करना। यह मैं एक फार्मूला जो आपके सामने लिख रहा हूँ, ये बेसिक फार्मूला होगा और ये यूनिवर्सल फार्मूला होगा, ये लगभग सभी टॉपिक में इसका बेस यही रहेगा। देखिए बच्चों, प्रतिशत ज्ञात करने का सबसे प्रथम तरीका हमारे पास बेसिक फार्मूला है, जो आपका हमेशा काम आएगा, और जितने भी आप फार्मूला आगे पढ़ेंगे उन सभी के मूल में यही फार्मूला ही रहेगा। तो प्रतिशत निकालने का तरीका है आंकड़ों में परिवर्तन और बटे मूल आंकड़े, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणनफल। अब हम देखते हैं हम इस सूत्र को अपने अनुसार किस तरह प्रयोग करते हैं। आंकड़ों में परिवर्तन, जब कोई संख्या, डाटा या आंकड़े हमें दिए जाते हैं उनमें परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन कितना होता है, या तो उनमें वृद्धि होगी या उनमें कमी होगी। तो या इस जो हमने यहाँ पर सिर्फ लिखा है परिवर्तन, अगर आपका परिवर्तन प्लस में हो रहा है तो आप वृद्धि लिख देंगे, आपका फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और अगर कमी हो रही है तो आप आंकड़ों में कमी लिख सकते हैं। लेकिन जो अपॉन होगा, जो विभाजन होगा, वो मूल आंकड़े से अथवा प्रारंभिक मान से, यहाँ पर हम इसकी संक्षिप्त में लिख सकते हैं प्रारंभिक, प्रा से प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें 100 से हम गुणा कर देते हैं। अब देखिए, इसी मुख्य फार्मूले को लेकर के हम दो और फार्मूले या बना सकते हैं, देखना उसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा मैं आपके सामने, कि उन सबका मुख्य जो फार्मूला होगा वो यही फार्मूला होगा। जैसे हमें किसी की वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना, तो आपका फार्मूला क्या होगा, मान में वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। देखिए, आंकड़ों में परिवर्तन, बताया था परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, या तो परिवर्तन पॉजिटिव होगा या परिवर्तन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना, जब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना होगा, मान में वृद्धि, लेकिन यहाँ पर मूल आंकड़े प्रारंभिक मान होगा, और प्रारंभिक मान गुणा 100। इसी तरह से
कमी का प्रतिशत ज्ञात करना। वृद्धि हो रही है तो कमी भी हो सकती है और प्रतिशत दोनों का निकाल सकते हैं। अगर आप कमी हो रही है तो वो कमी कितने प्रतिशत हो रही है, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कितने प्रतिशत हो रही है। मूल फार्मूला आपका वही रहेगा। और यहाँ पर आप कैसे कमी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे मान में कमी बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। ये आपका प्रमुख आधार है, इसको आप कभी मत भूलिएगा। और आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब भी कोई सांख्यिकी या आंकड़े में परिवर्तन होता है वो हमारा मूल होता प्रमुख रहेगा सबसे ऊपर, उसके बटे में प्रारंभिक मान होगा और प्रारंभिक मान को इनके अनुपात का हम 100 से गुणा कर देते हैं, वो हमारा प्रतिशत हो जाता है। अब हम देखिए दोस्तों, इसी के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न भी हल कर सकते हैं और काफ़ी ब्रॉड बहुत ही बड़ा फील्ड है इसका प्रतिशत का जो, लेकिन उसकी सभी के मूल में यही भावना छिपी होती है आंकड़ों के मान में परिवर्तन और उनके मूल आंकड़े। चलिए अब हम कुछ आंकड़िक प्रश्नों का भी हल करने चलते हैं आपके साथ में। कमी पर आधारित प्रश्न, देखिए दोस्तों प्रतियोगिताओं में हमने अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। यदि गीता की आय सीता की आय से 10% कम है तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी। गीता की आय सीता की आय से, ये लिखा हुआ है, गीता की आय 10% अधिक है तो सीता की आय कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों में आपको प्रारंभिक मान कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ तुलना करी गई है। इसी गीता की आय सीता की आय से 10% अधिक है तो सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, इस चीज को हमें लेकर के चलना है। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पॉइंट मैं आपको हिंट देता हूँ, जैसे आपका उत्तर अगर कम में आ रहा है तो कम के लिए आपका बटे ज्यादा, अगर कम में आपका उत्तर आ रहा है तो आपको लिए ज्यादा का भाग देना होगा, और अगर आपका उत्तर ज्यादा में आना है तो उसके लिए आपको कम का भाग देना होगा। प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से आपको इसी को समझना होगा, जब हम किसी भी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तो उसका उत्तर अपने आप ज़्यादा निकल के आएगा, और किसी भी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो उसका उत्तर अपने आप में ही कम निकल के आएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है गीता की आय सीता की आय से 10% अधिक है, सीता से 10% अधिक है तो उसकी आय कितने प्रतिशत कम होगी, और कम के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा का भाग देना है। तो दोस्तों हमारे साथ फार्मूला है, कमी हो या वृद्धि हो, ये फार्मूला आप हमेशा याद कर लीजिएगा, प्रतिशत सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं, कमी होगी ना तो कमी का प्रतिशत वृद्धि गुणा 100 बटे कमी हो रही थी ना तो कम कितने कम होगी, कम के लिए ज़्यादा का भाग तो 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। और अगर इसी को आप दूसरे तरह से पूछ सकते हैं कि सीता की आय गीता की आय से इतने प्रतिशत कम है तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, जब अधिक वाली बात की जाएगी तो यहाँ पर आपका 100 माइनस कमी हो जाएगी। ये आपका कमी पर आधारित प्रश्न है। यदि हम इसके मान लेके चलते हैं, देखते हैं कितना मान आ रहा है इसका, गीता की आय 10% अधिक है तो 10 गुणा 100 और बटे 100 प्लस 10
क्योंकि याद हल करते समय भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये मान पहले आप जोड़ देंगे उसके बाद उसमें भाग लगाएंगे। आपका मान निकल के आ रहा है 10 का गुणा 100 में किया 1000, और 100 में 10 को आपने जोड़ दिया आपका आ गया 110, और 11 से आप भाग लेंगे, भाग पूरा पूरा नहीं आएगा, सिर्फ इसका आंशिक मान भिन्नों में आएगा। 11 ने 99, 9 से ही 1/11, और इसको आपको प्रतिशत में लिखना पड़ेगा। गीता की आय सीता की आय से 10% है, तो सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये रहा आपका कितने प्रतिशत कम होगी, 9 से ही 1/11। चलिए मैं इसको आपको आंकड़ों में भी समझा देता हूँ। साधारण तौर पर इसी तरह से मिलता जुलता हुआ एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूँ। राम की आय या आय माने इनकम श्याम से 25-20% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी। अभी हमने पहले आपको बताया था कि कितने प्रतिशत कम होगी, कम के लिए ज्यादा का भाग, ज्यादा में क्या होगा आपका प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी के लिए आपका मान, अभी भी 2 मिनट पहले हमने एक फार्मूला लिखाया था x into 100 upon 100 plus or minus x लिख दिया हमने। अगर अधिकता होगी तो कम का भाग, और कम होगी तो अधिक का भाग, कम होगी तो प्लस लगा लेंगे और अधिक होगी, कम होगी तो प्लस लगा लेंगे, अधिक होगी तो माइनस कर देंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर कमी है, कमी के लिए आपने क्या किया, राम की आय 20% अधिक है, तो 20 × 100 और 100 + 20 कम होगी ना, ये रहा आपका 100 + 20। हल किया आपने 20 × 100, ये आपका आता है 2000, और नीचे आपका हो जाएगा 120, बाद 0 से 0 काट दिया, ये 2 से 1 बार और कट जाएगा, 4 से भी काट देते हैं, 4 × 3 = 12, और ये हो गया 4 × 5 = 20, 50/3, और इसको आप सही बटे बदल दीजिएगा, 3 × 3 = 2, 20 × 18 = 16, 16 × 2/3% और इसका थोड़ा एक अलग तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको और बता दूं, इसको आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको मुख्यतः ध्यान ये रखना होगा, कम के लिए ज़्यादा का भाग और ज़्यादा के लिए कम का भाग। अगर आपसे वृद्धि कितने प्रतिशत अधिक होगी तो अधिक के लिए आपको क्या करना होगा, कम का भाग लगाना होगा, तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि कितने प्रतिशत कम होगी, और कम के लिए ज़्यादा का भाग, ज़्यादा कब होगा जब उसके प्रतिशत को 100 में जोड़ देंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, एक्स इंटू 100 पहले दर का और 100 का गुणा होगा, नीचे उसका कम और अधिक का मान निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक मान का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर दोनों मानों की एक दूसरे तुलना की गई है, और ये प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये अधिकतर एक दिवसीय परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। एक अन्य तरह के प्रश्न भी हैं, वो मैं आपको बता दूँ, ये कमी पर आधारित प्रश्न था, अब आपका वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, उस पर भी आप देख लीजिए। प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति की आय राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये तो आपने निकाल लिया अभी 16 से 2/3। अच्छा एक और देख लीजिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, याद कीजिए कि करीम की रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। यहाँ देखिए आप
रहीम की ऊंचाई। रहीम की ऊंचाई अधिक है कम, यहाँ पे अधिक थी। रहीम की ऊंचाई 50% कम थी। अब करीम की कितने प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत अधिक है। रहीम की ऊंचाई 50% कम, कितने प्रतिशत अधिक है? और अधिक के लिए कम का भाग, तो आपका यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या अधिकता, आपको प्रतिशत अधिकता ज्ञात करनी है, और अधिकता के लिए कम का भाग, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 50 × 100, और अधिकता भी मान आना है, तो यहाँ पर 100 − 50, 100 में से आप पहले 50 घटाएंगे, फिर जो ऊपर गुणा आएगा 5000, इसमें आप 50 से देंगे भाग, 1 शून्य से आपका शून्य कट गया, और ये जो है आपका 5 × 1 कितना उत्तर आ रहा है आपका 100% अधिक है। ये रहा आपका उत्तर, धन्यवाद। हाँ आइए दोस्तों, अब हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, कि एग्जांपल देख भी लिया और हमने समझ भी लिया, एक बार उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया था कि कम के लिए आप ज़्यादा का भाग, अगर आपको कमी पूछी गई है तो आप 100+ वृद्धि, और अगर आपसे कितने प्रतिशत अधिकता हो रही है तो 100 − कमी। आपका मुख्य फार्मूला क्या होगा? x × 100/100, और ये मैं दोनों एक साथ लिख दे रहा हूँ, 100 + − x। अगर आपसे पूछा गया है कि वृद्धि कितनी हो रही है, तो आप वहाँ पर अपॉन में क्या करेंगे, अधिक के लिए कम का भाग 100 − x, और कितने प्रतिशत कमी हो रही है, तो कम के लिए ज़्यादा का भाग, यानी कि 100 + x। दो फार्मूलों को मिलाकर के एक फार्मूला बना दिया गया। देखिए दोस्तों, अब कभी कभी क्या होता है कि एक फार्मूले में दोनों चीज़ें एक ही बार दे दी जाती है, प्रतिशत वृद्धि कमी या कमी वृद्धि, दोनों अगर एक ही प्रश्न में दी गई हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे। कभी कभी क्या होता है, दो बार वृद्धि भी हो जाती है और कभी कभी दो बार कमी भी हो जाती है। अगर इस तरह की तीनों ही बातें एक बार वृद्धि, एक बार कमी, एक बार दोनों बार वृद्धि या दो दो बार कमी, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, क्योंकि प्रत्येक परीक्षाओं का जब बताया तो फील्ड बहुत ही विस्तृत होता है, और एग्जामिनर नए से नए तरह के सवाल निकाल करके आपके लिए लेके आता है, जिससे कि स्टूडेंट की नॉलेज को समझा जा सके और नई नई प्रॉब्लम क्रिएट की जा सके, जिससे कि बच्चों का विकास भी हो। नई नई तरह की समस्याओं को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी होता है कि हमारे माइंड का डेवलपमेंट किया जा सके, और किस तरह से नए नए परिणाम निकल करके सामने आते हैं। चलिएगा, पहले वाला जो केवल कमी और केवल अधिकता पर आधारित जो प्रश्न थे, उसमें यहाँ पर एक ही चर होता था या एक ही वृद्धि दर होती थी प्रतिशत कमानी। उसके लिए हमने आपको बता दिया था कि x × 100 आपका ऊपर मान एक ही रहेगा, लेकिन नीचे अगर कमी है तो 100+x, और वृद्धि है तो 100+−x, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। इसके लिए हम आपको नया फार्मूला बताते हैं। कुल प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन में दोनों चीजें आपके आ जाती, कमी या वृद्धि, तो आपके लिए यहाँ पर दो मान होंगे, वृद्धि होगी x1 और कमी है तो x2, लेकिन यहाँ पर उसके ऋणात्मक मान के साथ लिखेंगे, और यहाँ पर फिर आपका पहला मान, दूसरा मान, फिर प्लस x1 × 100 x1 × x2, ये आपका क्रॉस का निशान है, x1 × x2/100, ये आपका मुख्य फार्मूला है, और ये प्रतिशत मान ओवरऑल निकल के आएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक वृद्धि है, एक कमी है, अगर दोनों वृद्धि दी जाती हैं, दोनों ही बार वृद्धि है, तो आपका फार्मूला x1 + x2
और प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू अपॉन 100, इसके मान में परिवर्तन का प्रतिशत। और अगर दोनों ही वाद ऋणात्मक है तो यही मान माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू और माइनस प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू अपॉन 100, ये आपकी परिवर्तन की दर निकल के आ रही है। तो अब अगर यहाँ पर दो चर हैं या दो मान हैं तो इनके लिए आप कोई अलग फार्मूला है, थोड़ा सा परिवर्तन आपका होने जा रहा है, उस परिवर्तन को आप बस ध्यान में रखिएगा, बाकी सब समस्या आपकी हल हो जाएगी। चलिए एक प्रश्न देखते हैं इसी से संबंधित, फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे। अगर दर कमी है तो ऋणात्मक मान आएगा और अगर वृद्धि है तो आपका धनात्मक मान आएगा। पहले दोनों मानों को अलग अलग जोड़ करते हैं पूर्णांक के रूप में, फिर उनके गुणनफल को 100 से डिवाइड करके सभी को एक साथ योग निकाल के इसका प्रतिशत प्राप्त कर लेते हैं। हम बार बार जब प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे ये फार्मूले सूत्र अपने आप ही याद हो जाएंगे। चलिए एक प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितनी वृद्धि हुई। उसकी आय में दोनों बार वृद्धि हुई है, प्रथम बार जो वृद्धि हुई है वो आपकी 10% हुई है और जो दूसरी बार वृद्धि हुई है जो द्वितीय है, जो द्वितीय वृद्धि हुई है वो आपकी 20% है। तो अब आपको ये किस तरह से निकालना है, जरा हम आपको एक मौखिक बता देते हैं। किसी भी संख्या, माना कोई संख्या आपकी 100 है, ठीक है, अगर हम इसमें प्रथम बार वृद्धि 10 रुपए की करते हैं, 10% वृद्धि करते हैं, तो इसका प्रथम मान हो जाएगा 100 + 10 110। और अगली बार इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, अगर आप सोचते हैं कि प्रथम वृद्धि 10% की होगी तो 10 रुपये बढ़ जाएंगे 100 पर, दूसरी वृद्धि 20% की होगी तो फिर 20 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी तो 30 रुपये हो जाएंगे, तो हम आसानी से निकाल के बता सकते हैं कि 30% वृद्धि हुई। लेकिन नहीं, क्या होता है कि हमें जो वृद्धि या कमी निकालनी होती है वो मान पर निकालनी होती है। यहाँ जो प्रथम वृद्धि 10% हुई है वो 100 रुपये पर हुई, लेकिन जो दूसरी वृद्धि 20% हुई है वो 110 रुपये पर हुई है, और यही हमारे उत्तर में अंतर का कारण बनता है। और ये जो हमने फार्मूला बताया था वो आपका ट्रिकी फार्मूला है, उसे आप डायरेक्ट मान रख के निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं ये आपको सरल तरीके से बेसिकली बता रहा हूँ, अगर आप 110 का 20% निकालते हैं तो आप निकाल के देख लीजिएगा, 0 से 0 और इससे ये आपका दूसरा 0 भी कैंसिल हो गया, 11 × 2 = 22, जो मान आपका पहले 10 रुपये आया था अब वो 22 रुपये आया, और आपका जो मूल्यांकन था अब अंतिम धनराशि आपकी कितनी हो गई, 10 वो बढ़ी और 22 ये बढ़ी, आपका कितना मान हो गया 132 रुपये। और ये सबसे सरल तरीका है ज्ञात करने का, 132 रुपये यानी 100 रुपये पर कितनी वृद्धि हुई, 32 की, तो आपका आंसर 32% आएगा। ये हमने आपको और निकाल के बता दिया। कभी कभी क्या होता है कि हम फार्मूला भूल जाते हैं, ट्रिक नहीं समझ पाते, तो हमें उसका बेस पता होना चाहिए। इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सिंपली एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीके होते हैं। चलिए अब हम इसको प्रश्न के अनुसार देखते हैं, जो हमने आपको फार्मूला बताया था उसने क्या लिखा था, टोटल परिवर्तन की दर, टोटल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, दोनों है वृद्धि है, दोनों ही यहाँ पॉजिटिव रहेंगी, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू अपॉन 100। देखिएगा एक्स वन की वैल्यू कितनी है 10 और एक्स टू की वैल्यू है 20। चलिए हम देखते हैं, एक्स वन की वैल्यू आपकी आ रही है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 20, और ये दोनों का मान कितना होगा 10 × 20 और बटे 100, 10 और 20 ये तो आपका मान हो गया 30, और इसको आप हल करते हैं 0 से 0 ये कैंसिल हो गया 2, आपका मान निकल के आ गया डायरेक्ट 32%। दोस्तों फार्मूला बहुत सिंपल है और आपको केवल मान समझ में आ जाना चाहिए, हमें दोनों की वैल्यू क्या रखनी है और कैसे हमारा मान निकलेगा, कुछ भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा
अपने आप को कंसंट्रेट करके रखिएगा। चलिए एक प्रश्न इसके साथ ही मैं आपको और बता देता हूँ। बाजार बंद रहने के कारण दाम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 15% बढ़ गई, इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको फार्मूला याद है तो आप प्रश्न को आसानी से निकाल सकते हैं। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में दोनों बार कमी है कि वृद्धि है। अगर कमी है तो ऋणात्मक मान रखेंगे और वृद्धि है तो आप ऋणात्मक मान रखेंगे। चलिए एक प्रश्न और देख लेता हूँ, इसी के साथ साथ फिर आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। इसी में अन्य तरह के प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, उसमें एक बार वृद्धि हुई है और एक बार कमी हुई है, दोनों में बाजार बंद रहने के कारण दाम की आय प्रथम बार में 10% घटी, राम की आय प्रथम बार यानी कि X1 10% क्या हुई, कमी हुई या परिणात्मक मान हो जाएगा। द्वितीय बार में क्या हुआ, 15% क्या हुई, वृद्धि हुई, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो गया, आपने यहाँ पर लगा दिया। अब आपका फार्मूला क्या है, ठीक है, प्रतिशत कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए, तो कुल परिवर्तन कितना हुआ ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। X1 प्रथम बार में कमी हुई तो ये आपका हुआ X1 और ये ऋणात्मक होगा। द्वितीय बार में वृद्धि हुई, X2 होगा, और अंत में क्या हुआ, प्लस लगा दिया, माइनस X1 इंटू X2 और बटे 100। चलिए देखते हैं हम क्या मान निकल के आ रहा है। X1 का मान है आपका ऋणात्मक -10, इसका मान है आपका +15, और इधर आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे और ये रहा -10, इसका गुणा होगा +15 के साथ और बटे आपका 100 आ रहा है। यहाँ थोड़ा पूर्णांकों का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ऋण और धन का मतलब 10-15 में से 10-15 धन पूर्णांक है और 10 ऋण पूर्णांक है, 15 में से आप 10 करना घटा देंगे तो आपका 5 निकल के आएगा, और प्लस प्लस माइनस ये माइनस आ गया, और 15 का 10 से गुणा करते हैं तो आपका 150, 150 बटे 100, दो अंकों के बाद दशमलव, आपके मान में कुल कितनी वृद्धि हुई ये आप बता रहा है, 5, ये आएगा 5 -1.5, और इसका जो हल करेंगे तो आपका 3.5 आया, और ये जो मान है वो धनात्मक है अर्थात उसके मान में 3.5 की वृद्धि हुई, 3.5% की वृद्धि हुई। चलिए दोस्तों धन्यवाद।